नमस्कार दोस्तों, हम जानते थे कि वो निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मैं यहां सब्जी बेचने नहीं आया, मैं यहां चीफ मिनिस्टर बनने आया हूं। जी हां दोस्तों, ये शब्द है राजस्थान के करंट चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत के अपने ही एक्स डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट के लिए। 14 जुलाई को सचिन पायलट को राजस्थान के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से हटा दिया गया और उसके साथ ही साथ उनको प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी राजस्थान पीसीसी के प्रेसिडेंट के पोस्ट से भी हटा दिया, जिसके प्रेसिडेंट वो पिछले 7 साल से थे। और इसके साथ ही हिंदुस्तान में एक नया पॉलिटिकल ड्रामा शुरू हुआ। हमेशा की तरह कांग्रेस ने सबसे पहले बीजेपी को अक्यूज करना शुरू किया कि इस सबके पीछे बीजेपी का हाथ है और बीजेपी खरीद फरोख्त की राजनीति करके किसी ना किसी तरह से राजस्थान की गवर्नमेंट को तोड़ना चाह रही है ताकि वो वहां पर अपनी सरकार बना सके। आप जब इसको बाहर से पूरे प्रकरणों को देखते हैं तो एक बार को आपको लगता भी है कि हाँ, शायद कहीं ना कहीं इसमें कॉन्स्पिरेसी है या सचिन पायलट ओवर एम्बिशियस हो रहे हैं चीफ मिनिस्टर बनने के लिए और इसलिए ये सारा ड्रामा चल रहा है। लेकिन दोस्तों, राजस्थान का मामला इतना सीधा या इतना साधारण मामला नहीं है जैसा कि वो दिखता है। इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है जो काफी पहले से शुरू होती है। तो दोस्तों, इस पूरे प्रकरण को समझने के लिए आइए थोड़ा फ्लैशबैक या थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि सबकी शुरुआत कहां से हुई। दोस्तों, इस पूरी कहानी को समझने के पहले, सचिन पायलट के बारे में जानने के पहले थोड़ा और पीछे चलते हैं और जानते हैं सचिन पायलट के फादर लेट मिस्टर राजेश पायलट के बारे में। राजेश पायलट, जिनका पूरा नाम या वास्तविक नाम राजेश्वर सिंह भिदोरी था, वो इंडियन एयरफोर्स में एक पायलट थे। उसके बाद उन्होंने पायलट सरनेम को अडॉप्ट किया। राजेश पायलट को दोस्तों इंदिरा गांधी और संजय गांधी लेकर के आए और उन्होंने उनको कांग्रेस में शामिल किया। दोस्तों, राजेश पायलट प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में मिनिस्टर ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी रहे। मिनिस्टर ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी रहते हुए उन्होंने चंद्रस्वामी को अरेस्ट कराया। इसके बाद थोड़ा सा रिफ्ट शुरू हुआ राजेश पायलट और कांग्रेस लीडरशिप के साथ। ये रिफ्ट और भी बढ़ा जब आगे चलकर 1997 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना था और राजेश पायलट ने सीताराम केसरी को कॉन्टेस्ट किया इस इलेक्शन में। ऐसा पहले कांग्रेस में कभी नहीं हुआ था। इसके बाद जब सोनिया गांधी ने डिसाइड किया कि वो कांग्रेस की कमान अपने हाथ में लेंगी सीताराम केसरी से, उस समय भी एक खबर आई कि राजेश पायलट पूरा मन बना चुके थे कि वो प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए कॉन्टेस्ट करेंगे सोनिया गांधी के अगेंस्ट में। हालांकि इसके बाद उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप के दबाव के चलते, लेकिन तब तक एक रेबेलियन पैदा हो चुका था कांग्रेस में। हालांकि राजेश पायलट का पॉलिटिकल करियर उतना लंबा नहीं चला क्योंकि एक रोड एक्सीडेंट में उनकी असामयिक मृत्यु हो गई। तो उसमें इसके बाद 2004 में सचिन पायलट की मदर श्रीमती रामा पायलट ने जयपुर में एक प्रेस ब्रीफिंग रखी छोटी थी, जिसमें कुछ जर्नलिस्ट को इन्वाइट किया गया। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको रामा पायलट के बारे में काफी कुछ जानने को मिलेगा क्योंकि अभी तक वो लाइमलाइट में नहीं थी जब तक कि राजेश पायलट एक्टिव पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे। हालांकि उस प्रेस ब्रीफिंग में रामा पायलट ने सभी को सरप्राइज दिया और खुद की जगह उन्होंने सबके सामने इंट्रोड्यूस किया सचिन पायलट को, और इस तरह से सचिन पायलट को एक सोने की थाल में चांदी के चम्मच से पॉलिटिक्स परोस दी गई। अब अगर सचिन पायलट और गांधी फैमिली के ताल्लुकात की बात करें या स्पेसिफिकली राहुल गांधी के साथ उनके रिलेशंस की बात करें, तो दोनों ही सेम कॉलेज में इन्होंने एजुकेशन स्टार्ट की। राहुल गांधी और सचिन पायलट दोनों ही 2004 बैच के फर्स्ट टाइम एमपीज में से हैं और इसके चलते उन दोनों की एक पर्सनल बॉन्डिंग भी रही राहुल गांधी और सचिन पायलट की, और सचिन पायलट को राहुल गांधी के इनर सर्कल का मेंबर माना जाता रहा। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ अगर अशोक गहलोत की बात करें तो ये अपने आप में एक दिग्गज कांग्रेसी नेता हैं। राजस्थान के जोधपुर शहर से आते हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के नेशनल जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं और भी कई सारी टॉप पोजीशंस संभाल चुके हैं कई सारी स्टेट कमिटीज में। अब दोस्तों समझते हैं कि ये जो फिलहाल राजस्थान क्राइसिस हुआ और ये जो गहलोत वर्सेस सचिन कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इसकी शुरुआत कहां से हुई। दोस्तों, 2013 के असेंबली इलेक्शंस में कांग्रेस को करारी हार मिली। हालांकि राजस्थान का एक इतिहास रहा है कि वहां हर पांच साल में जब दोबारा इलेक्शन होता है तो वहां की जनता वहां की इनकम्बेंट गवर्नमेंट को हटाकर दूसरी गवर्नमेंट लाती है, तो इसमें कुछ नया नहीं था। राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, 2013 में अपने ट्रेंड को फॉलो करते हुए राजस्थान ने बीजेपी गवर्नमेंट को चुना, लेकिन प्रॉब्लम थी उस मार्जिन से जिस मार्जिन से कांग्रेस हारी थी।
दोस्तों 200 सीट्स वाली असेंबली में कांग्रेस को सिर्फ 21 सीटें मिली थी। ये करारी हार थी। इस कमजोर स्थिति से पार्टी को रिवाइव करने की जिम्मेदारी दी गई सचिन पायलट को। जी हाँ दोस्तों, 2013 में कांग्रेस लीडरशिप ने सचिन पायलट को जयपुर भेजा कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए राजस्थान में, और उनको ये आश्वासन दिया गया कि उनको किसी भी तरीके से इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। और इसी आश्वासन के चलते अशोक गहलोत को भी राजस्थान स्टेट पॉलिटिक्स से दूर रखा गया। सचिन पायलट ने बहुत कड़ी मेहनत की राजस्थान में, रूट लेवल पे काम किया, वहां की लोकल कांग्रेस कमिटीज, लोकल पार्टी वर्कर्स सबके साथ मिलकर के वहां पे उन्होंने कांग्रेस को धीरे धीरे फिर से रिवाइव करना शुरू हुआ। और दोस्तों सचिन पायलट को इस सारी मेहनत का फल मिला 2018 में, जब उन्होंने 3 क्रूशियल बायपोल्स में कांग्रेस को जीत दिलवाई। इसके बाद राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट एक सिंगल फेस बनकर उभरे। दोस्तों इसके बाद मेजर कंफ्लिक्ट की शुरुआत हुई 2018 के असेंबली इलेक्शंस में, जब टिकट का बंटवारा हो रहा था। सचिन पायलट ने राजस्थान कांग्रेस के लिए एक रूल बनाया हुआ था कि जो भी आदमी पिछले 2 इलेक्शंस हार चुका है उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। इस रूल को कांग्रेस में काफी लोगों ने अपोज किया, और इसी रूल के चलते आलोक बेनीवाल, लक्ष्मण मीना और महादेव खांडेला जैसे दिग्गज कांग्रेसियों को भी टिकट नहीं दिया गया। और दोस्तों इसी सबके बीच में शुरू हुई एक नई पॉलिटिक्स। जब इन काफी सारे दिग्गजों को टिकट नहीं दिया गया कांग्रेस में, तो ऐसा माना जाता है कि खुद अशोक गहलोत ने इन 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 दिग्गजों को, जिनको टिकट नहीं मिला था कांग्रेस से, उनको मोटिवेट किया कि वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े। और ऐसे कई सारे लगभग 13 दिग्गज इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े और उन्होंने जीत दर्ज की। इस सब का फल दोस्तों ये हुआ कि 200 सीट की विधानसभा में कांग्रेस को मिली 99 सीट्स, और 2 और एलाइज के साथ उनका टैली हुआ 101, और बहुत ही थिन मेजोरिटी की स्टेट में कांग्रेस पहुंच गई। अब क्वेश्चन ये था कि इस थिन मेजोरिटी की गवर्नमेंट को चलाएगा कौन? एक यंग सचिन पायलट, जिनको लगभग 30 एमएलएस का समर्थन था, यानी उनके उनके कैंप के लगभग 30 एमएलएस चुनाव में जीते थे, या फिर एक दिग्गज जो इस क्राइसिस सिचुएशन में भी इस गवर्नमेंट को चला सके? ये फैसला करना था कांग्रेस लीडरशिप को, और कांग्रेस लीडरशिप ने चुना अपने दिग्गज अशोक गहलोत को ऐसी सिचुएशन में कांग्रेस गवर्नमेंट को चलाने के लिए। दोस्तों इस सबके बावजूद जहां 2013 से 2018 तक राजस्थान कांग्रेस का चेहरा सिर्फ सचिन पायलट ही बने रहे, इसके बावजूद चीफ मिनिस्टर की पोस्ट के लिए चुना गया अशोक गहलोत को। सचिन पायलट इससे कुछ खासे खुश नहीं थे, और सचिन पायलट ने इस बात को खुलकर जाहिर भी किया कि वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी ने दोनों नेताओं से बात की, और दोनों को ये आश्वासन दिया गया, सचिन पायलट को भी आश्वासन दिया गया कि जो डिपार्टमेंट्स का बंटवारा होगा वो लगभग इक्वल किया जाएगा दोनों ही कैंप्स के लिए। और इस तरह से उन्होंने दोनों को बैलेंस करते हुए कांग्रेस में गवर्नमेंट बनाई। दोस्तों इसके बाद ये प्रॉब्लम बढ़ती गई। राहुल गांधी या कांग्रेस लीडरशिप का आश्वासन था कि दोनों कैंप्स में डिपार्टमेंट का बंटवारा लगभग इक्वली किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो भी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट थे, होम मिनिस्ट्री हो या फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, वो अशोक गहलोत ने खुद अपने पास रखे, और पायलट के पाले में गए सिर्फ 5 डिपार्टमेंट्स, जिसमें से PWD, रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट। ये एक ह्यूमिलिएशन की शुरुआत थी सचिन पायलट के लिए। हालांकि ये विवाद और भी बढ़ा जब आगे चलकर जनरल इलेक्शंस 2019 में होने थे, और फिर से टिकट बंटवारा एक बड़ा इशू बनकर निकला। 2019 के जनरल इलेक्शंस के टाइम पे जब अशोक गहलोत की डेस्परेशन खुलकर निकल के आई, जहां पे वो अपने बेटे वैभव गहलोत को लॉन्च करना चाहते थे पॉलिटिक्स में, और अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को राजस्थान के जोधपुर से लोकसभा का टिकट दिया भी गया, और वहां पे वो बीजेपी की गजेंद्र सिंह शेखावत के अगेंस्ट में चुनाव लड़ने वाले थे। इस चुनाव का परिणाम यह हुआ कि वैभव गहलोत एक बहुत बड़े मार्जिन से हारे, और ये एक प्रेस्टीज इशू बन गया अशोक गहलोत के लिए, क्योंकि ये वो सीट थी जो लगभग 5 बार अशोक गहलोत ने अपने पास रखी हुई थी 1999 तक। हालांकि जोधपुर से इलेक्शन हारने के बाद अशोक गहलोत ने अपने बेटे वैभव को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट इलेक्ट करा दिया। हालांकि इसके बाद दोस्तों अशोक गहलोत का पार्टी में स्टेचर तब बढ़ा जब उन्होंने 6 बीएसपी एमएलएस को, जिनका समर्थन ऑलरेडी था राजस्थान गवर्नमेंट के लिए, बट उन्होंने उनको कांग्रेस पार्टी में लेकर के आए, और इस तरह से कांग्रेस का टैली पहुंच गया 107 पे। और इसके साथ साथ जो 13 इंडिपेंडेंट एमएलएस थे, जो कहीं ना कहीं पहले से ही अशोक गहलोत के सपोर्टर्स थे, उनका भी एक सपोर्ट बेस अशोक गहलोत की तरफ ही बना, और इस तरह से एक स्ट्रांग गवर्नमेंट अशोक गहलोत ने राजस्थान में बना करके रखी।
और सचिन पायलट को इसके साथ साथ कहीं ना कहीं ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा। खबरें ये भी हैं कि जो मिनिस्ट्रीज सचिन पायलट के पास थी भी, उनके अंडर में भी ऑफिसर्स कौन से रहेंगे, कौन से ऑफिसर्स सचिन पायलट के अंडर में काम करेंगे, कौन से ऑफिसर्स या अधिकारी कौन अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में काम करेंगे, इस सब का फैसला सचिन पायलट की जगह पे अशोक गहलोत ही करते थे। सचिन पायलट से एक तरह से यह भी अधिकार छीन लिया गया था कि वो अपने पसंद के अधिकारी चुन सके, और ये एक ह्यूमिलिएशन बिल्डअप था जो लगातार होता जा रहा था। इसके बाद सचिन की तरफ से भी धीरे धीरे बैकफायर शुरू हुआ। सितंबर 2019 में बीजेपी ने अक्यूज किया जब राजस्थान गवर्नमेंट को लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए, तो सचिन पायलट ने भी कहीं ना कहीं उसमें सुर मिलाया और उन्होंने भी इस चीज को पब्लिकली अनाउंस किया कि हाँ, राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ती जा रही है। ये एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी अशोक गहलोत के लिए। मेजर ब्लो हुआ इसमें 2019 दिसंबर में, जब कांग्रेस गवर्नमेंट राजस्थान में अपनी सरकार का एक साल का सेलिब्रेशन मना रही थी। इस सेलिब्रेशन के मौके पे सचिन पायलट लगभग लगभग गायब थे, उनके फोटोज, उनके पोस्टर्स कहीं पर भी नहीं थे। यहां तक कि उनकी जो मिनिस्ट्रीज के अचीवमेंट थे वो उस बुकलेट में नहीं थे जो राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी अपने वन ईयर सेलिब्रेशन के तौर पर। और इस बात का जिक्र खुद सचिन पायलट ने भी इकोनॉमिक टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में किया कि और भी अच्छा होता अगर मेरी मिनिस्ट्रीज के अचीवमेंट भी इस बुकलेट में रखे जाते। इसके बाद सचिन पायलट खुल करके अशोक गहलोत के विरोध में आ गए और फाइनली हमको ये देखने को मिला जहां पे उन्होंने बोला कि लगभग 30 एमएलए का समर्थन मेरे पास है और अब अशोक गहलोत गवर्नमेंट माइनॉरिटी में है। अब अगर हम फिलहाल की स्थिति को बात करें तो लगभग 19 एमएलए जिसमें से सचिन पायलट और उनकी 18 समर्थक एमएलए को राजस्थान असेंबली स्पीकर सीपी जोशी ने नोटिस भी भेज दिया है अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसकी हियरिंग राजस्थान हाईकोर्ट कर रहा है, जिसपे फैसला आना अभी बाकी है। दोस्तों, अगर आप पूरे सिचुएशन को देखें तो एक तरफ अशोक गहलोत हैं जो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सचिन पायलट को उस पॉइंट तक स्ट्रेच किया जाए और उस पॉइंट तक लेकर जाया जाए जहां से उनके लिए कांग्रेस में वापस लौटना नामुमकिन हो जाए, जिसका एग्जाम्पल हमने इस वीडियो की शुरुआत में देखा जहां पे उन्होंने सचिन पायलट को निकम्मा, नाकारा जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया। हालांकि कांग्रेस लीडरशिप ने उनके वर्ड्स को कंडेम किया, इसके बावजूद अगर आप अशोक गहलोत की अप्रोच देखेंगे तो वो क्लियर अप्रोच है कि सचिन पायलट को वापस लौटने ना दिया जाए या उनके लिए ऐसी सिचुएशन बना दी जाए जिसके बाद वो वापस ना लौटे। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में सचिन पायलट के पास तीन ऑप्शंस बचते हैं। एक, वो वापस कांग्रेस में लौट कर आ जाए, जिसकी संभावना बहुत ही धुंधली है, बहुत ही कम है, वो भी तब जब उनके खिलाफ इस तरह से एक्शंस लिए गए। दोस्तों, दूसरा ऑप्शन है कि सचिन पायलट अपने जो उनके कैंप के एमएलएज हैं उनके साथ जाकर के बीजेपी में शामिल हो जाएं और एक नई गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की जाए। और थर्ड ऑप्शन है कि वो बीजेपी को ना ज्वाइन करें और एक थर्ड फ्रंट बनाए राजस्थान में। अब सचिन पायलट इसमें से कौन सा ऑप्शन चुनते हैं ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। और इस पूरे प्रकरण के बाद ये काफी स्पष्ट दिख रहा है कि कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप को भी इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि कांग्रेस में कहां कमियां हो रही हैं, आखिर क्यों उनके इतने दिग्गज नेताओं को इतना एक्सट्रीम स्टेप उठाना पड़ रहा है। कुछ ही महीनों पहले हमने देखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया किस तरह से कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। तो दोस्तों, बाहर से जैसा ये मामला दिखता है जहां पे कांग्रेस ने सिर्फ बीजेपी को अक्यूज कर दिया कि ये सारा बीजेपी का षड्यंत्र है कांग्रेस गवर्नमेंट को हिलाने के लिए, वास्तव में मामला वैसा है नहीं। अगर आप इस पूरे घटनाक्रम में शुरुआत से नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके रूट्स, इस कंफ्लिक्ट के रूट्स बीजेपी से नहीं जबकि कांग्रेस के अंदर से ही आते हैं। और ये एक कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है, एक अलार्मिंग पॉइंट है जहां पे उन्हें ये देखना होगा, ये समझना होगा वो किस तरह से इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करते हैं। अगर वो हमेशा की तरह सेम रेटोरिक अपनाते हैं और बीजेपी को अक्यूज करते रहते हैं तो इससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है और शायद हमें फिर से एक ज्योतिरादित्य सिंधिया सचिन पायलट के रूप में देखने को मिलेगा जो शायद बीजेपी ज्वाइन करे या थर्ड फ्रंट बनाए, वो हमें आगे चल के देखना होगा। लेकिन ये एक अलार्मिंग सिचुएशन कांग्रेस के लिए है, सिर्फ ब्लेम करते रहने से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है। दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।